हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी दोस्तों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी, जितने भी मेरे साथी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या इसके साथ में ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग का लगातार अपनी क्लासेस चल रही थी, एक एक टॉपिक हम कवर करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं बारीकी से। आज का यहाँ पर जो टॉपिक है ये रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिक मान सकते हैं। ये यदि टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लो आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। आज का टॉपिक है घड़ी। देखने में बहुत सरल है, जैसे हम दीवार पर भी घड़ी देखते हैं, हाथ में भी घड़ी बांधते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बारीकी से बिल्कुल अंकों को फाड़ के ध्यान रखना होगा। मैं बिल्कुल यहाँ पर जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको आरएस आईएएस एग्जाम तक बिल्कुल बताऊंगा, जितने भी प्रश्न बनेंगे इस क्लास में और एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर लगातार बोल रहे हैं कि हम यहाँ से पढ़ के तो जाते हैं घड़ी ये टॉपिक, लेकिन एग्जाम में प्रश्न पता नहीं ऐसा आता है कि हमारे समझ के बाहर होता है। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। सारे यहाँ पर प्रश्न में उदाहरण सहित आपको बताऊंगा, जितने भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह है, सूत्र है, सारे यहाँ पर ये आपको यहाँ पर इस प्रकार घड़ी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर 12, फिर 1, 2, 3, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, इस प्रकार आपने घड़ी देखी होगी। एक जो सुई होती है छोटे वाली, वो होती है आपकी घंटे वाली, ये सुई आपकी घंटे वाली है, और इधर जो ये सुई है बड़े वाली, ये आपकी मिनट की सुई है। तो इस प्रकार से दो सुइयां होती है और एक सेकंड की सुई भी होती है, जिसका यहाँ पर उतना आपके महत्व नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अभी मैं यदि आपको पूछूं कि इस घड़ी में कितना टाइम हुआ है, आप घुसो को टाइम देखना आता होगा, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 12:15 हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के आधार पर हम पूरा ये अपना ये टॉपिक है ये समाप्त करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, नोटबुक और पेन अपने साथ में रखें, ताकि आपको जितनी भी ट्रिक वगैरह मैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताऊंगा वो आपको लिखते जाना है, ताकि आगे आपके जैसे मैं प्रश्न सोल्व कराऊंगा आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप सभी बने रहे मेरे साथ अंत तक। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे घंटे वाली सुई की, ध्यान पूर्वक समझे और साथ में नोट्स बनाते जाए। ये आपकी यहाँ पर घड़ी है और ये आपकी घंटे वाली सुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 के बाद में 1, 2, 3, फिर 6, इधर 9, ये इस प्रकार से आप घड़ी देख सकते हैं। ये घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है, जो थोड़ी लंबी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले घंटे वाली सुई, सुई को कांटा भी बोलते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बात करें कि 12 घंटे में 60 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे कब होंगे, मान लो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर 12 पर है, 12 से ये घूमकर 1 पर आती है, फिर 2 पर आती है, फिर 3 पर आती है, तो कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए। लेकिन कोण कितने बनेगा, तो आप यहां से यहां तक देखोगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा, और यहां से यहां तक देखोगे तो कितना बनेगा, 180, 270, और टोटल आप देखोगे तो कितना कोण बनेगा 1 घंटे में, यानी कि टोटल आप कोण देखोगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। अरे ये यहां से ये सुई घूमकर वापिस यदि यहां तक 12 तक आएगी तो टोटल कोण आपका 360 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। टोटल कोण बनेगा 360 डिग्री का, कितना बढ़ जाएगा, टोटल 360 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का नहीं बनेगा, ठीक है। यहां पर बात करें एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। आप यहां पर देखोगे तो एक घंटा यानी 12 से लेकर 1 बजे तक, ये सुई यहां से चलकर यहां 1 बजे तक जाती है, तो 1 घंटा होता है, कितना होगा 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना बनेगी, देखो यहां से यहां तक कितना बनता है टोटल, ये 90 डिग्री का है, लंब बन रहा है 90 डिग्री का है, तो यहां पर आप देखोगे तो 30, 60 और 90, तो यहां से यहां तक 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 12 घंटा में कितने बनाती है, 360 डिग्री का, और 1 मिनट में यानी यहां से यहां तक 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में आपका कोण बनाएगी आधा डिग्री, कितना बनाएगी आधा डिग्री, आप देख सकते हैं डायरेक्ट 360 डिग्री बनाती है 12 घंटे में, और 1 घंटे का पूछा गया तो 12 का भाग दे दो 360 में, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और उसी प्रकार 1 मिनट में यदि पूछे है कि घंटे वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपका आधा डिग्री का कोण बनाएगी। और यदि 1 सेकंड में पूछे कि घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है, तो ये 1/120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये चीज आप लिख लो कि भाई घंटे वाले जो कांटा होता है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ये घंटे वाली सुई हो गई, अब हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की, ठीक है, मिनट वाली सुई की हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में हमने बात कर ली, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिनट वाली सुई यानी मिनट वाला जो कांटा है उसके बारे में। अब देखो ये मान लो मिनट वाला कांटा है, ये यहाँ पर 12 पर है, ठीक है, 12 पर है, तो ये यहां से घूमेगा, यहां से घूमता घूमता वापिस 12 तक आएगा, यानी कि कितना घूमेगा, टोटल 360 डिग्री, कितना घूमेगा
टोटल 360 डिग्री घूमेगा गुरुजी। यदि टोटल 360 डिग्री घूमेगा कितने टाइम लगेगा, तो एक घंटा। कितना? एक घंटा। एक घंटे में कितना घूमता है ये? 360 डिग्री घूमता है। तो ध्यान रखना, मिनट वाली जो सुई है वो एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना बढ़ाएगी? तो एक मिनट में बढ़ाएगी 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री एक मिनट में। एक मिनट कब होगी? अरे एक मिनट ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ये एक मिनट होगी। ये दो तीन चार और यहाँ पर पांच, इस प्रकार से। तो एक मिनट में कितना बढ़ाएगी? 6 डिग्री का कोण। और वैसे ही एक सेकंड में, एक सेकंड में यदि पूछे तो 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये तीनों चीजें आप मिनट वाली सुई के बारे में ध्यान रखना। घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई की हमने बात की कि 12 घंटे में, कितने घंटे में? यहाँ पर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बढ़ाती थी। और एक घंटे में, यदि एक घंटे की बात करें तो एक घंटे में कितना बढ़ा रही थी? 30 डिग्री का कोण बढ़ा रही थी। और एक मिनट में कितना बढ़ा रही थी? 1/2 यानी आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। तो ये चीजें आप ध्यान रखना मिनट वाली सुई के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे और अगला। देखो सेकंड प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 10:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितना कोण बनेगा? कितने बजकर? 10:40 पर। तो सीधा यदि आपको दोनों कांटों के मध्य का कोण पूछा गया है तो आपको इस फॉर्मूले को रट लेना है। 11 × मिनट - 60 × घंटा / 2। मान रख दो यहां पर 11 × मिनट, मिनट कितनी है? 40 है। ये 40 माइनस 60 गुणा घंटा, घंटे कितने हैं? 10 घंटे हैं, बटे 2। ये 2 यहां पर हम निकाल ले, गुणा कर लो 11 × 40। यदि 11 को 40 से गुणा किया तो आपका आ गया 40। कितना आया? 440। माइनस 60 × 10 किया तो आ गया 600/2। अब देखो 440 में से 600 माइनस करना है, तो यहां पर देखो माइनस और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, माइनस आप इससे कोई यहां पर अंतर नहीं रहेगा। तो कितना पीछे बचा? 160/2। 160 में 2 का दिया तो आ गया 80। तो कितना कोण बनेगा? 80 डिग्री का बनेगा। यह आपका यहां पर आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, जो ये मान आपको दे रखा है इस सूत्र में रखना है, तो दोनों कांटों के मध्य का कोण आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक दो प्रश्न और देखते हैं, फिर अगली टाइप हम करते हैं। अगला प्रश्न देखो, 5:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? सीधा यदि दोनों के मध्य कोण पूछा गया है तो यही आपको सूत्र यूज में लेना है। 11 × मिनट, मिनट कितने हैं? 40 मिनट। तो 40 माइनस 60 इंटू घंटे, घंटे कितने हैं? 5/2। यहां पर देखो 11 × 40 यानी 1140, कितना आ जाएगा? 440 माइनस 60 को 5 से किया तो कितना आ गया? 300/2। 11 को 40 से किया 440, 60 × 5 यानी 300/2 कितना हो जाएगा? 440 में से 300 गए, पीछे बचा 140/2। 2 का भाग दिया 140 में तो कितना आया? 70 डिग्री। कितना कोण बनेगा? 70 डिग्री का। यहां पर ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया है तो क्लास को लाइक जरूर करें, सभी साथी एक बार लाइक जरूर कर दें। अगला देखते हैं, ये आपकी पहली टाइप चल रही है। अगला प्रश्न है कि 1:50 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो वही प्रश्न है, तो यहां पर आप लिख रख लो 11 × मिनट, मिनट कितनी है? 50 मिनट है। माइनस 60 × घंटा, घंटे कितने हैं? 1 घंटा है, 2। तो 11 को 50 से गुणा करो पहले, 50 माइनस 60 को 1 से गुणा किया तो 60/2। तो 550 में से हमें 60 को घटाना है तो कितना आएगा? 490/2। 490/2 तो आंसर आया आपका 245 डिग्री। 245 डिग्री जिसका आ रहा है, क्या 245 डिग्री सही है? देखो दोनों घड़ियों के बीच में कितना कोण बनेगा मुझे ये दोनों सुइयों के बीच में, तो 245 डिग्री नहीं बनेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मान लो ये दोनों सुइयां हैं, ये एक दूसरे के यहाँ पर इस प्रकार विपरीत होती है, तो इनके बीच में अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा? 180। तो यहाँ पर अपना आंसर आ रहा है 245। ये दोनों कितने भी विपरीत हो जाए ना दोनों सुइयां, तो 180 डिग्री से ज्यादा कोण कभी नहीं बनेगा। 180 डिग्री से यदि आंसर आपका ऊपर आ रहा है तो आपको क्या करना है? 360 में से घटा लेना है। अब पूरा कितना बनता है? 360 का बनता है, तो 360 में से 245 को घटा लो। यदि 360 में से 245 को घटाया तो आपका आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। तो ये 115 डिग्री आपका आंसर राइट होगा। यदि आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए, एक 245 और 115 डिग्री,
तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 115 डिग्री ही माना जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 245 आ रहा है, यानी 180 डिग्री से यदि ऊपर आंसर आ रहा है आपका, तो आपको 360 में से घटा लेना है, क्योंकि आप देखोगे तो कितना भी मध्य यदि कोण बनेगा, कितना भी बीच में कोण बनेगा, तो 180 से ज्यादा कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बन सकता, कैसे बनेगा आप ही बताओ। तो 360 में से उसको घटा लेना, 115 डिग्री बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न मैंने इसीलिए दिया ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। बिल्कुल अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो आपके जो पहली टाइप है वो अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी, जो आपका सूत्र है कि कितने डिग्री का दोनों के बीच में कोण बनेगा, वो सूत्र भी आपने याद कर लिया होगा। पहले यदि टाइप आपके समझ में आ चुकी है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। अब हम दूसरी टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरी टाइप में भी आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको रखना है सेकेंड टाइप में विशेष कोण, कौन कौन से कोण बनते हैं उनका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले जीरो डिग्री, कौन सा जीरो डिग्री। अब देखो गुरु जी जीरो डिग्री ये कैसे बनेगा, तो मैं आपको घड़ी बढ़ा के यहाँ पर बता देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये 12 बजे है, ये यहाँ पर मिनट वाला सुई घंटे वाला सुइया है, और ये इसी के ऊपर आ जाता है मिनट वाला, इस प्रकार से दोनों सुइये हैं, यानी 12 बजे हैं, यानी ये दोनों सुइये एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं, यानी दोनों कांटे आपस में मिल रहे हैं, इस प्रकार से मिल रहे हैं, तो कितना कोण बनेगा जीरो डिग्री, कितना बनेगा जीरो डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हर एक घंटे में एक बार ऐसा होता है, इसे हम बोल सकते हैं अतिव्यापित या संपाती, और ऐसा हर घंटे में एक बार होगा। जैसे यहां पर हो गया, फिर यहां पर 1 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, 3 बजे, 4, 5, इस प्रकार से 6 बजे, 7, 8 और 9 बजे, 10, 11 और 12 बजे, यानी दोनों सुइयां अतिव्यापित कब होगी, हर एक घंटे में एक बार ऐसा होगा। जैसे 12 पर हो गया, 1 पर हो गया, फिर 2 पर हो गया, तो इस प्रकार से, तो हर एक घंटे में एक बार ये क्या होगी, अतिव्यापित होंगी। तो 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा कि गुरु जी 12 घंटे में 12 बार होगा, नहीं होगा, 12 घंटे में 11 बार ही होगा। ऐसा क्यों, ऐसा रीजन ये है कि जब 12 और 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो 12 और 1 के बीच में क्यों नहीं होता है? जब यहाँ पर घंटे वाली सुई में कितनी बजी है, 12 बजी है, ठीक है, इसके ऊपर है, फिर वहां पर क्या होगा, ये सुई आगे धीरे धीरे खिसकेगी और एक घंटे में ये पूरा राउंड लगा देगी, कौन सी मिनट वाली, तो मिनट वाली वापस आएगी, तो तब तक ये घड़ी ये सुई यहाँ पर पहुंच जाएगी। यानी 12 और 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है, 12 और 1 के बीच में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यानी एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित नहीं होती है दोनों सुइयां, जिसकी वजह से 12 घंटे में 11 बार ऐसा होता है, यानी 11 बार ये मिलती है सुइयां, 24 घंटे में 22 बार ही मिलती है। 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार है, तो 11 का डबल कर लो 24, तो 11 का डबल 22 हो गया, तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 12 बार। तो ये चीज आप नोटिस कर लो, ये लिख लो कि जीरो डिग्री में क्या होता है, विशेष कोण में ध्यान रखना दोनों कांटे मिलते हैं, अतिव्यापित होते हैं दोनों कांटे, या तो मिलेंगे या उसको हम कह सकते हैं अतिव्यापित हो रहे हैं या संपाती, हर एक घंटे में केवल एक बार ऐसा होता है, हर 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार। सुइयां कितनी बार मिलती है आपस में एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित होती है, 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है, 22 बार, 12 और 1 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट आप विशेष तौर से ध्यान रखना, लिख लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्लास को रोक के लिख लेना, जिसको साफ नहीं दिखाई दे रहा है वो अपनी मोबाइल की वीडियो की क्वालिटी है क्लास की, वो 360 या 480 डिग्री कर ले, क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा ले। नेक्स्ट, अगले यहां पर देखें 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होता है, अरे 180 डिग्री कैसे होगा, ये इस प्रकार से, ये कैसे होगा, 180 होगा, यानी एक सुई 12 पर है और दूसरी सुई कितनी पर है, 6 पर है, यानी घंटे वाली 12 पर है और मिनट वाली 6 पर है, तो कितना यहाँ पर दोनों के बीच में कौन बन रहा है, तो 180 डिग्री का बन रहा है, कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो दोनों विपरीत होती है, 180 डिग्री में क्या होगी, या तो 180 डिग्री या दोनों विपरीत होगी या दोनों अधिकतम दूरी में होगी। अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है दोनों सुइयों के बीच में, अधिकतम दूरी 180 डिग्री हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऐसा हर एक घंटे में एक बार होता है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हर एक घंटे में एक बार होती है, कितनी बार होती है, एक बार होती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे यहां पर 12 बजे हो गई, फिर 1 बजे हो गई, 2 बजे हो गई, ऐसे 3 बजे, लेकिन 12 घंटे में केवल 11 बार ही होगी। अब आप बोलोगे कि सर 12 घंटा में 12 बार होनी चाहिए, आप बोल रहे हो कि हर एक घंटे में एक बार होगी अधिकतम दूरी पर 180 डिग्री पर, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 12 घंटे में 11 बार ही होगी, तो एक यहां पर कहां पर गया, तो देखो 6 से 7 बजे ऐसा नहीं होगा, ये यहां पर
6 से 7 बजेगी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा मैंने पिछली बार बताया है, क्योंकि जब मिनट वाली सुई पूरी घूम कर आएगी इतने में घंटे वाली आगे खिसक जाएगी, तो 6 से 7 बजे ऐसा नहीं होगा। तो यह किस में ध्यान रखना है, 180 डिग्री में। तो यह लिख लो, 0 डिग्री में हमने बात की 12 से 1 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है, और 180 डिग्री में 6 से 7 बजे ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज भी आप नोट कर लो, काफी काम आएगी आगे आपके, जैसे मैं प्रश्न करवाऊंगा उस समय ये चीजें काम आएगी। आगे देखें, इसमें यदि कोण 90 डिग्री का हो, यानी दोनों सुइयां समकोण या लंबवत कब होती है, हर 1 घंटे में 2 बार दोनों सुइयां हैं वो लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री होती है। 12 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार होती है। कि गुरुजी 12 घंटे में तो 24 बार होनी चाहिए, क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन ऐसा है वो 3 और 4 बजे, 9 और 10 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है। यदि एक दिन की बात करें, यदि 24 घंटे की बात करें, तो 24 घंटे में ऐसा 44 बार होता है, क्योंकि 3 और 4 बजे, 9 और 10 बजे ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें साथियों, प्रश्न संख्या हमने जो पहली टाइप थी उसके हमने प्रश्न कर लिए, अब सेकंड टाइप के मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, जो मैंने 3 चीजें आपको बताई थी उन्हीं को लेकर। प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलते हैं या अतिव्यापित होते हैं, कितनी बार मिलते हैं ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या प्रश्न ये भी आ सकता है कि कितनी बार अतिव्यापित होते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, 0 डिग्री वाला 0 डिग्री, या कितनी बार 0 डिग्री होगा, संपातित होगा, कितनी बार मिलेंगे, वही आपको काम में लेना है जैसा मैंने बताया। सबसे पहले देखो, प्रातः 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, कितने बजे तक, 5 PM तक, तो इनके बीच में 9 से 12 कितनी बज गई, 12, ठीक है, ये 12 बज गई। तो 9 से लेकर 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे, 9 से 12 बजे तक 3 घंटे हो गए। 12 से लेकर 5 बजे तक कितने घंटे हुए गुरुजी, 5 घंटा हो गया, कता हो गया 5, तो दोनों को ऐड किया, 3 और 5 कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, यानी कि टोटल ये कितनी बार मिलेंगे, 8 बार मिलेंगे। 9 बजे से 5 में दोनों कांटे, दोनों सुइयां कितनी बार मिलेगी, अतिव्यापित होगी, तो ये 8 बार होगी, नहीं होगी। रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था पहले वाला आप याद करो कि 12 से लेकर 1 बजे के बीच में ये अतिव्यापित नहीं होती है, यानी आपस में मिलती नहीं है। तो यहां से 1 माइनस कर लो, तो 8 में से 1 माइनस किया, तो पीछे आपका आंसर 7 आ गया। तो कितने बार दोनों कांटे मिलेंगे, तो 7 बार मिलेंगे, तो 7 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो विद्यार्थी 7 बता रहे हैं सभी का राइट है। और कुछ नहीं किया, 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम दिया गया है, तो 9 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं, तो 8 घंटे होते हैं। तो 8 में से 12 से 1 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती है, अतिव्यापित नहीं होती है, तो 1 हमने माइनस कर दिया, तो 7 अपना राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखो और समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है इसी टाइप का है कि आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे यानी दोनों सुइयां घड़ी की कितनी बार विपरीत होगी, यह आपको प्रश्न पूछा गया है। यदि आपने मेरे स्टार्टिंग वाले 3 पॉइंट यदि नोट किए हैं, तो ये 100% आपका प्रश्न राइट होगा। चुटकियों का खेल है, इस क्लास को 2 बार देख लेना, बिल्कुल आप 100% यहाँ पर कोई गलती नहीं करोगे। आज शाम 8 बजे यानी 8 PM, 8 PM से लेकर कहां तक है, प्रातः, कल प्रातः यानी कल कितने बजे तक, 11 बजे तक, यानी 11 AM तक। तो यहां से 8 PM से 8 AM, 8 PM से 8 AM तक कितने घंटे हो गए, शाम को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आपके कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, कितने घंटे हुए, 12। 8 बजे से लेकर 8 AM से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे हो गए, कितने घंटे हुए, ये 3 घंटे यहां पर हो गए, कितने घंटे हुए, 3। अब देखो यहां पर पूछा क्या गया, कितनी बार विपरीत होंगे, विपरीत होंगे यानी दो एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री होंगे। तो मैंने एक चीज बताई थी, तो इसमें एक बार आप ध्यान रखना, 6 से 7 बजे के बीच में ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो क्या इसमें 6 से 7 बजे वाला टाइम आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है, 8 बजे से लेकर, यहाँ पर आप सुबह देखोगे तो 8 बजे के बीच में यहाँ पर आपका टाइम आएगा कितना, 6 और 7। अरे 8 से लेकर 8 के बीच में 6 और 7 आएगा, तो बिल्कुल आएगा। 8 से स्टार्ट हुए तो शाम को 9, 10, 11, 12, 1, रात की 1 बज गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये टाइम आ गया। यानी कि इस टाइम 6 और 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होती है, मैंने बताया। तो 12 में से 1 आप माइनस कर लो, तो आपका यहाँ पर 11 घंटे हो गए, कितने हो गए, 11। यहाँ पर आप देखोगे तो 8 से लेकर 11 के बीच में विपरीत है, यानी कि 6 और 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का 3 रहेगा, 8 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा।
कितने बार विपरीत होगी, तो ये 14 बार विपरीत होगी। अगला प्रश्न देखें, अगले टाइम में प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है कि आज दोपहर 3 बजे से लेकर कल दोपहर 1 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार आपस में मिलते हैं। तो यहां पर देखें, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहां पर बता रहा हूं, आज दोपहर 3 बजे यानी 3 पीएम से लेकर कल दोपहर 1 बजे तक, ये 1 बजे तक, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो 3 पीएम से यानी अभी शाम को आज की 3 बजे से सुबह 3 एएम तक, कितनी बजे तक, सुबह की जो 3 एएम होगी मॉर्निंग की, इसके बीच में कितना टाइम हो गया, 12 घंटे हो गया। तो इस 12 घंटे में कितनी बार यहाँ पर मिलती है यानी अतिव्यापित होती है, कितनी बार होती है, तो हमने पहले बात की थी स्टार्टिंग में 11 बार, कितनी बार, 11 बार, यहां तक आ गया। अब सुबह 3 बजे से लेकर कितनी बजे तक, 1 बजे तक पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 12 बजे तक की बात करें हैं, तो 3 बजे से 12 बजे तक कितना समय हो गया, 9 घंटे हो गए, यानी कितनी बार मिलेगी, 9 बार मिलेगी। और 12 से 1, तो आपको पता है कि दोनों जो घड़ियों की दोनों सुइयां होती है वो 12 से 1 बजे के बीच में कभी अतिव्यापित नहीं होती है, यानी आपस में नहीं मिलती है, तो ये टाइम हमारा काउंट नहीं होगा। तो 9 और 11 कितने हो गए, 20 हो गए, तो इसका राइट आंसर आपका 20 आ जाएगा। इस समय को आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये क्या हो रही है, मिल रही है यानी अतिव्यापित हो रही है। तो ये दूसरी टाइप के आपको मैंने 3 प्रश्न करवा दिए, समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना, क्योंकि जो तीनों पॉइंट है पीछे वाले वो आप याद करोगे, 0 डिग्री वाला, चाहे 90 डिग्री वाला है, चाहे 180 डिग्री वाला है, तभी आप इनको कर पाओगे। बिल्कुल आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें, इस प्रश्न को जो राइट करेगा उसका मान लो ये सेकंड दूसरा जो अपनी टाइप है वो कंप्लीट है। सोमवार को प्रातः 10 बजे से बुधवार को शाम को 5 बजे तक दोनों कांटे यानी घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री होगी, इस प्रकार से कितनी बार 90 डिग्री होगी। तो मैंने बताया कि 1 घंटे में कितनी बार होती है, 2 बार, 1 घंटे में 2 बार होती है, और 12 घंटे में कितनी बार होती है, 12 घंटे में 22 बार होती है, 44 बार नहीं होती है, और 24 घंटे में कितनी होती है, 44 बार होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखते हुए इसको हल करना है। तो यहां पर देखो, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को बुधवार को 5 बजे तक का मैं यहां पर टाइम लिख लेता हूं। सुबह 10 बजे सोमवार को सुबह 10 बजे से मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कितना टाइम हो गया, 24 घंटे हो गए, कितने घंटे हुए, 24 घंटे हुए। तो इस 24 घंटे में कितनी बार होगी, पूरी 24 घंटे में 44 बार होगी, कितनी बार लंबवत होगी, 44 बार। मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर बुधवार को सुबह 10 बजे तक कितना घंटे हुए, 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी बार हुई, 44 बार। उसी प्रकार से सुबह 10 बजे से लेकर बुधवार को शाम को यानी दोपहर 12 बजे तक कितनी बार हुई, 2 बार, 2 घंटे का टाइम है तो कितनी बार हुई, 4 बार। 12 बजे से लेकर, अरे 1 घंटे में कितनी बार होती है, 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 2 घंटे में 4 बार हो जाएगी। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कितना टाइम है, 5 घंटे, यानी कि 2 बार होती है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में 10 बार हो जाएगी। लेकिन आप यहां पर देखोगे तो 12 से बाद में कितना आता है, 1, 2 और 3, लेकिन 3 और 4 बजे के बीच में ये अतिव्यापित नहीं होती है, यानी लंबवत नहीं होती है, ध्यान रखना, 3 और 4 बजे के बीच में नहीं होती है लंबवत, और 9 और 10 बजे के बीच में लंबवत नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस कर दो यानी 9, तो इन तीनों को ऐड कर लो, 88 और 4 कितने हो गए, 92, 92 में यदि हम जोड़ेंगे क्या 9, तो कितना हो गया, 101 बार ये लंबवत होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न आपके सामने है कि घड़ी के दोनों कांटे कितने अंतराल में मिलते हैं, और सेकंड प्रश्न है कि घड़ी के दोनों कांटे कितने समय अंतराल में विपरीत होते हैं। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है। तो देखो, घड़ी के दोनों कांटे कितने अंतराल में मिलते हैं या अतिव्यापित होते हैं, यानी कि 0 डिग्री, कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो इसमें हमने एक चीज बताई थी, किसका ध्यान रखना है आपको, 1 और 2 बजे के बीच में, यानी कि आपको पूछा कितने अंतराल में मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, यानी 12 घंटे में मिनट की बात करें तो कितने मिनट होगी, 720 मिनट। तो 720 और 12 घंटे में कितनी बार मिलते हैं, 11 बार मिलते हैं, कितनी बार मिलते हैं, 11 बार। तो आपका राइट 720/11 यानी 11 का भाग दिया, तो यहां पर राइट आंसर आ गया आपका 65/5/11 बार। अगला है कि घड़ी के दोनों कांटे कितने समय अंतराल में विपरीत होते हैं। विपरीत होने का मतलब है कि एक दूसरे के यानी कितना डिग्री, 180 डिग्री होंगे। तो देखो, 12 घंटे में कितनी बार होते हैं, 12 घंटे में 11 बार होते हैं,
क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। तो 11 होंगे तो इसमें कितने टोटल मिनट हो गए, 720 मिनट हो गए। तो 720 में अपन 11 का भाग दिया तो ये आ गया 65/5/11। तो ये दोनों प्रश्न थोड़ा ध्यान में रखना और इनको लिख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर, तीसरी टाइप। अगली देखें तीसरी टाइप, इसमें हमने देखो प्रश्न चेंज कर दिया है। 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी के दोनों कांटे यानी दोनों सुइयां आपस में मिलती है, 4 से 5 बजे के बीच यहां पर पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है, एक सूत्र है, उसको याद रखना है सीधा सीधा 60/11। इस ट्रिक को आपको याद रखना है, दोनों कांटे मिलते हैं, समय आपको पूछा गया किस समय मिलते हैं, यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपको यह ट्रिक याद रखना है 60/11 गुणा। यहां पर देखो 4 से 5 बजे के बीच है तो आपको पहले वाले घंटे का यूज करना है, पहले कितने हैं 4 है तो 4। तो देखो अब यहां पर कितना आ गया, 60 को 4 से गुणा किया तो 240/11 कितना आया, 240/11 तो ये आपका आ जाएगा यहां पर 21/9/11। भाग देने पर कितना आया, 21/9/11 यानी कि 4 बजकर 21/9/11 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय घड़ी के दोनों कांटे आपस में मिलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा आंसर, ये आपके समझ में आता होगा। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, 60/11 याद रखना है और जो पहले वाला घंटा है उससे गुणा कर देना है। इसे गुणा किया तो 60 को 4 से गुणा किया तो आया 240/11। अब यहां पर देखो भाग दिया 11 का, 240 में तो 21 बार गया, पीछे बचा 9 से 11 9/11 और यहाँ पर पहले कितने हैं 4 है तो ये आ गया 4 बजकर 21/9/11 ये आंसर यही होगा इसका। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री कब बनेगा, 2 से 3 बजे के बीच में, ये देखो 2 और 3 इनके बीच में कितना 180 डिग्री यानी एक दूसरे के क्या होंगे, इस प्रकार से लंबवत होंगे यानी एक दूसरे के विपरीत कब होंगे, ठीक है 2 से 3 बजे के बीच में। तो ऐसे प्रश्न का क्या करना है, आपको देखना है कि 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है तो आपको इसको 6 से यहाँ पर काउंट करना है और क्लॉकवाइज करना है, जैसे 6 से 7 8 9 10 11 12 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 हो गए, 12 से देखोगे तो 1 और 2 यहाँ पर देखो 2 बजे तक है, कितने बजे तक है 2 तो 6 और 2 कितने घंटे हो गए, टोटल 8 घंटे हो गए। तो वो फॉर्मूला आपको यूज करना है 60/11 × 8 कितना 8 तो बराबर कितना आ गया, 60 को 8 से गुणा किया तो कितना हुआ 480/11 ये आ गया यानी 2 बजकर 43 सही 7/11 ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले का ध्यान रखना है, जो पहले वाला घंटा आपको दे रखा है उसी को आपको काउंट करना है और क्लॉकवाइज करना है, जैसे 6 के बाद में इस प्रकार से काउंट किया 12 तक 6 घंटे हो गए, 12 से 1 और 2 बजे तक 3 बजे तक नहीं जाना है, 2 बजे तक 2 घंटे ये हो गए तो 8 हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका 60/11 ये तो भाग फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखें, इस टाइप में देखो आपको 3 चीजों को विशेष तौर से ध्यान रखना है, कौन कौन सी, यदि आपको 0 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है या 90 डिग्री दे रखा है, तो आपको क्या करना है, H1 को यानी जो पहले वाला जो घंटा दे रखा है उसको 12 से क्लॉक वाइज चेक करना है। यदि 180 डिग्री दे रखा है तो H1 को 6 से क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में जिस प्रकार घड़ी घूमती है वैसे इसको चेक करना है। यदि आपको 90 डिग्री दे रखा है, लंबो दे रखा है, तो H1 को 9 से वे 3 से क्लॉक वाइज चेक करना है। कैसे करना है देखो, ये घड़ी है 12 3 6 और 9। अब देखो 0 डिग्री है तो आपको 12 से चेक करना है यानी आपको H1 आपको मान लो दे रखा है 12 से यानी ये 12 है, 12 से मान लो आपको दे रखा है 5 और 6 तो इसमें H1 क्या है, ये H1 है और H2 है यानी जो पहले वाला घंटा दे रखा है उसे आपको चेक करना है। यदि 0 डिग्री दे रखा है तो आपको क्या करना है 12 से यानी यहां से काउंट करना है 1 2 और 3 4 और ये 5 यहां तक आपके 5 घंटे हो जाएंगे। वैसे मान लो 180 डिग्री है तो आपको H1 को 6 से काउंट करना है यानी यहां से और इस घड़ी की दिशा में करना है। मान लो यहां से आपको चेक करना है तो यहां से हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 यहां से ऐसे काउंट होगा। 90 डिग्री दे रखा है तो यहां से इस 9 से काउंट कर सकते हो आप इस प्रकार से और इस 3 से भी इस प्रकार से घड़ी की दिशा में आपको काउंट करना है।
तो ये तीनों चीजें लिख लो, आगे हम प्रश्न करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इनको आपको किस प्रकार से यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमने तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे उनको आपको इस प्रश्न के माध्यम से समझना है। जैसे दे रखा है 4 से 5 बजे के मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे, ये यहां पर देखो ये क्लॉक है, मान लो घड़ी है, यहां पर 12 बजे है, यहां पर 3 बजे है, 6 और यहां पर 9। प्रश्न में दे रखा है 4 और 5 बजे के मध्य, तो ये 4 और 5 इनके मध्य दोनों कांटे किस समय लंबवत होंगे, आपको इस प्रकार से लंबवत का पूछा गया है। मैंने आपको बताया यदि आपको लंबवत का पूछे तो आपको काउंट करना है 9 से या 3 से, कहां से काउंट करना है 9 से और 3 से। तो यहां से हम काउंट करेंगे, यदि हम 9 से काउंट करें तो 9 से 10 11 और 12, 3 घंटे हो गए, 12 से 1 2 और 3 बजे तक 6 घंटे हो गए, कितने घंटे हुए 6 से आगे 4 बजे। पहले वाला घंटा दे रखा है, पहले वाला घंटा कितना है 4 बजे तक है, तो 6 के बाद में 1 यहाँ पर ये हो गया, यानी टोटल 7 घंटे हो गए। बिल्कुल घड़ी की दिशा में काउंट करना है तो कितने हो गए 7। तो यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, 60/11 × 7। 9 से काउंट किया और मैंने पहले वाले फॉर्मूला देख लेना, उसमें बताया था कि कैसे किस प्रकार काउंट करना है, तो इसको 7 से यहाँ पर गुणा कर लो तो जो भी आपका आंसर आएगा तो 4 बजकर आगे कुछ मिनट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आगे और देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 10 से 11 बजे के मध्य किस समय दोनों कांटे अधिकतम दूरी पर होंगे। अधिकतम दूरी का मतलब है दोनों कांटे बिल्कुल कितने होंगे 180 डिग्री, ठीक है। और यदि अधिकतम दूरी का आपको पूछा जाए तो काउंट कहां से करना है 6 से करना है, कहां से काउंट करना है 6 से करना है। तो यहां पर देखो 10 से 11 बजे, तो ये 10 और ये 11, काउंट कहां से करना है 6 से करना है, ध्यान रखना 6 के बाद में 7 8 9 10, कितने घंटे हो गए 6 से लेकर, और क्लॉक वाइज करना है ध्यान रखना, तो कितने घंटे हो गए 1 2 3 और 4 घंटे हो गए। तो वही आपको सूत्र यूज करना है 60/11 × 4, कितने घंटे हुए 4, तो आप यहां से गुणा कर लो कितना हुआ 240/11, यानी 10 बजकर 240/11। यदि और आपको इसको एग्जाम में कुछ और ऑप्शन में मिले तो इसको और छोटा कर लेना भाग देकर, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 बजकर 21 से 9/11, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, अगला प्रश्न है कि 9 से 10 बजे किस समय समकोण बनेगा, इसका आंसर बताएं कमेंट में, 9 से 10 बजे किस समय, ये 9 से 10 बजे के बीच में किस समय समकोण बनेगा इस प्रकार से। और मैंने बताया यदि समकोण का आपको पूछे तो आपको काउंट करना है 9 से या 3 से, कहां से काउंट करना है 9 से और 3 से काउंट करना है, और क्लॉक वाइज आपको काउंट करना है। फॉर्मूला वही है 60/11 वाला गुणा, पहला यहां पर 9 दे रखा है पहला घंटा, तो यहां पे सबसे पहले मैं 3 से काउंट करूं तो 3 से 1 4 5 और ये 6 हो गया, 3 घंटे ये हो गए, फिर 4 5 और 6, टोटल कितने 6 घंटे हो गए। उसके बाद दूसरा यहां पर काउंट करना है 9 से, तो 9 से ही है, तो 60/11 × 9, यानी कि 1 बिल्कुल 0, इसका तो यहां पर 0 हो जाएगा। यहां पर हम बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 60 को पहले गुणा कर लो किससे 6 से, तो कितना आएगा 360/11, 360/11 तो कितना आ जाएगा 32 सहित 8/11, कितना बजकर 9 बजकर, ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, अगला प्रश्न देखो 9 से 10 बजे के मध्य किस समय दोनों कांटे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होगी। एक सीध में होने का मतलब क्या है, एक सीध में होने का मतलब क्या है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, यानी 180 डिग्री होना। 180 डिग्री यदि होता है तो आपको ध्यान रखना है कहां से काउंट करना है, 12 से काउंट करना है, तो 60/11 ये आपका फॉर्मूला है। यहां पर सबसे पहले यहां से हम काउंट करें 12 से कहां तक 9 तक, हमें 9 बजे तक, यानी यहां से काउंट करना है, तो 12 से 9 तक कितने घंटे हो गए 9 घंटे, कितने हुए 9, तो ये यहां पर 9 आ जाएगा। तो इनको आप गुणा कर लो, जो भी हल आंसर आएगा वो यहां पर आपका, यानी कि 9 बजकर ये, तो ये आंसर आपको मिलेगा। समझ गए होंगे आप किस प्रकार से करना है। अगला देखते हैं,
इस क्लास में हमने चार तीन से चार ट्रिक है वो हमने देख ली, बाकी इस टॉपिक की दो से तीन ट्रिक और बची हुई है, ठीक है, तो उनको भी हम आगे काउंट करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट, गुड इवनिंग।